चलिए मुंह खोलिए। मम्मा मैं अपने आप खा लूंगा। अरे वाह, हमारा अंश तो बहुत समझदार हो गया है। आज खाने के लिए मम्मा को दौड़ाया भी नहीं। पापा ने सिखाया कि गुडबाय कैसे खाना खाते हैं। हेलो हेलो प्रतीक भैया, यशी कैसे है अब? उन्हें होश आया? भाभी भैया पहले से बहुत बेटर हैं। बस उन्हें अभी गार्डन में लेकर आए। आप कैसी हो? बहुत खुश हुई है जानके कि यशी को होश आ गया, कि वो पहले से बेहतर है। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्लीज उनका ख्याल रखिएगा और अभी उन्हें कुछ भी मत बताइएगा प्लीज। भाभी आप एक मिनट भैया से बात कर लीजिए तो अच्छा होता। नहीं नहीं प्रतीक भैया, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। हेलो आरती, यश जी का हाल पूछ रही थी ना? उन्हें होश आ गया माँ, चैन मिल गया मुझे ये जान के कि क्या वो पहले से ठीक है। यश जी को चाहने लगी? हाँ माँ। अच्छा लगा सुन के। भाभी सुबह से अंश और आरती जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सब ठीक तो है ना? जी वो अर्पिता को। दीदी पलक और पहल ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब जाकर पूछो उनसे कि उन्हें क्या चाहिए। जी तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देती हूँ बेटा, आरती अंश को लेकर ये घर छोड़कर चली गई है। आरती मेरे भगवान की कसम चौंक गई क्या तुम? वैसे क्या सोचा था तुमने? कहीं इस उम्मीद में तो नहीं थी कि यश आएगा? इन कागजात पर आपके दस्तखत कर दीजिए। कि वो उस पेपर्स? लेकिन क्यों, किसके कहने पे आपने? मैंने ही वकील साहब को डिवोर्स पेपर्स तैयार करने के लिए कहा था। दोनों परिवारों ने यही तय किया है यश, और इस फैसले से पूरी तरह सहमत हूं। आरती से अब तुम्हारा और इस घर का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सोचो मत, साइन करो। अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आरती जी से बात करना चाहता हूं। अरे पर ठीक है, अगर यश चाहता है तो कर लेने दो उसे आरती से बात, लेकिन ये तो तय हो चुका है यश, आरती इस घर में नहीं रहेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा बाबूजी, लेकिन एक बार मैं आरती जी से बात करना चाहता हूं। आरती को फोन करने से पहले ये तो देख लो कि मेरे हाथ में क्या है। अर्पिता के कंगन? अर्पिता के हैं, उसकी मां ने आरती को दिए थे और आरती ने वापस लौटा दिए। कंगन लौटाने का मतलब समझते हो तुम? वो ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। देख लिया, यहां तुम अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उससे बात करना चाहते हो, और वो अपने सुहाग की निशानियां भिजवा रही है।